हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना आर्ट एंड लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज है गोवा में हमारा डे 3 और आज हम लोग करने वाले हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज। आगे मैंने जो डे 2 का ब्लॉग शेयर किया था उसमें आपको दिखाया था कि एक ट्रैवल एजेंसी से हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का पैकेज बुक करवाया था। तो बस आज हम लोग निकल रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए। सुबह के 6:30 बजे हम लोग निकल गए थे। गाइस, आगे भी मैंने आपको बताया था कि गोवा में आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप बाइक और कार्स आप रेंट पे ले सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों की गाड़ी आने वाली है हम लोगों को पिक करने के लिए। सो अभी हम लोग निकल गए हैं। पैकेज में 6 वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आ जाती है, साथ में ब्रेकफास्ट और लंच भी आ जाता है। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए होल्ड किया है। इस मेनू में से आप कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं, वो आपके पैकेज में ही आ जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डर करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ओके, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मालवन दांडी बीच पे। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी होता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं और लॉकर की भी फैसिलिटी होती है, तो आप अपना सारा सामान वगैरह आप लॉकर में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। थर्ड बार पर पर्सन 6 राइड मिलेगा, बनाना राइड, सिटिंग बम्पर, स्लिपिंग बम्पर, जेट स्की, पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग। पर पर्सन 6 राइड मिलेगा आप लोगों को। ओनली स्कूबा डाइविंग में आप लोगों का वीडियो शूटिंग बनेगा, इंडिविजुअल हर एक का अलग अलग वीडियो शूटिंग हम लोग बनाते हैं। उसके लिए कंडीशन है, अंडर वाटर स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। पानी के नीचे रुकोगे तो ही आपका वीडियो बनेगा, नहीं रुकोगे तो वीडियो बनेगा नहीं आप लोग। तो प्लीज अंडर वाटर रुको तो ये आपका वीडियो बनेगा। स्विमिंग करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, हर एक के साथ एक एक ट्रेनर रहेगा, वो स्विमिंग करेगा आपको पानी के नीचे, वो घुमाएगा। इसके लिए आपको आता है तो भी करना नहीं, ओके, कंपलसरी स्विमिंग इज नॉट अलाउड, प्लीज डोंट स्विम। ओके, जाओगे स्कूबा डाइविंग के बाद पैरासेलिंग राइड में आप लोग बोट पे जाते हो, टेक ऑफ और लैंडिंग बोट पे होता है आप लोगों का। उसके बीच में किसी को भी डिप करना है, एडिशनल डीप करने, पानी में डुबकी लगाना है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस जो कुछ भी रहेगा आपको बोट पे करना है। नहीं करोगे तो कुछ पे करने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने जो इधर पेमेंट किया है आपके 6 राइड का पेमेंट है, बनाना राइड, सिटिंग बम्पर, स्लिपिंग बम्पर, जेट स्की, पैरासीलिंग और स्कूबा डाइविंग। ओके, किसी को कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम है तो इधर पूछो, क्लियर करो, एक्टिविटी एंजॉय करो। चार लोग जाते हैं, 5 लोग जाते हैं, हर एक के साथ एक एक ट्रेनर रहेगी। चलो आप लोग रेडी है एक्टिविटी के लिए सब लोग? चलो मेरे साथ आ जाओ। चल, वही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, चप्पल से सैंडल निकालना। ग्रुप वाइज आपको इस तरह की एक चिट दी जाती है जो आपको साथ में ही रखनी पड़ती है और एक्टिविटीज के टाइम आपको दिखानी पड़ती है। जितने हम लोग गाड़ी में आए थे यानी कि 10% थे हम लोग, तो सभी को साथ में ही रहकर सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होती है।
बिकॉज ग्रुप वाइज सारी एक्टिविटीज करवाते हैं यहाँ पर। तो बस हमारे ग्रुप का अभी टर्न नहीं आया था, तो हम लोग बीच को एंजॉय कर रहे थे। ओके इधर जाना नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट करते भाई, थोड़ा क्राउड है इसके लिए, इनके साथ रुको। इधर आउटसाइड जाएंगे इनको मालूम नहीं पड़ेगा आप किसके ग्रुप में हो, कितने हो, क्या हो, मालूम नहीं पड़ेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इनके साथ इधर रुको, लाइफ जैकेट आने के बाद आपका एक्टिविटी स्टार्ट करें। ओके किसी को कुछ भाई प्रॉब्लम है तो अभी बोलो, लास्ट टाइम मत बोलो आप लोगों ने बोला नहीं था, कम्युनिकेट किया नहीं, भी गाइड किया। अभी हम लोग एक्टिविटीज के लिए रेडी हो रहे है और स्वरा ने भी पहले की तरह रेत में खेलना स्टार्ट कर दिया है। सो ये है हमारा फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स यानी कि बनाना राइड। इसमें 5 to 6 पीपल बैठ सकते हैं। बनाना राइड में आपको लास्ट में इस तरह से फ्लिप कर देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। स्वरा साथ में थी तो हम 1 by 1 जा रहे थे। सो अभी बम्पर राइड के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। ये राइड के लिए आपको 3 पर्सन को जाना पड़ता है एंड अगर आप इसमें लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। इस राइड में आपने अगर अच्छे से नहीं पकड़ा है तो श्योरली आप पानी में ही गिर जाओगे। बम्पर राइड में जब हमारा टर्न आया तो उस टाइम पे मशीन थोड़ी खराब हो गई थी, तो हम लोग आराम से लेटे हुए थे।
दोस्तों, ये है हमारा जेट स्की राइड। इसमें भी आप अगर लॉन्ग ड्राइव लेते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ता है। ये लोग आपको खुद राइड करने देते हैं तो वो आपको करने देते हैं, पर उसका भी अलग चार्जेस होता है। बट बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अभी तक हम लोगों ने 3 वाटर स्पोर्ट्स किए हैं। बहुत कम ड्यूरेशन का था, पर एक्सपीरियंस लेना था तो बहुत मज़ा आ गया। तो अभी हम लोग वॉक करके जा रहे हैं दूसरे बीच पे, जो बिल्कुल पास में ही है। वहाँ पे हमें स्कूबा डाइविंग एंड पैरासेलिंग करना है। हमारे ग्रुप का अभी टर्न नहीं आया था तो यहीं पे बैठ के हम लोग इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे सेल्स यहाँ पर थे, तो स्वरा को अपने खिलौने मिल गए थे। आगे का वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए हम लोग अभी बोट में ट्रैवल करके जाने वाले हैं। सो ये है बोट राइड, जो पैकेज में ही इंक्लूड है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं। इस तरह का एक टोकन दिया जाता है जिससे उनको पता चले कि ये इसी बोट के मेंबर्स हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये आइलैंड के पास। हमारा स्कूबा डाइविंग यहीं पे होगा। सो लेट्स गो, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। स्कूबा डाइविंग में साथ में ट्रेनर रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अंडर वाटर आप रहते हैं तो ही आपकी वीडियो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये लोग हमारा वीडियो शूट करते हैं, जो बाद में वो हमें ड्राइव पे दे देते हैं। स्कूबा डाइविंग में एक पर्सन हमें अंडर वाटर लेकर जाता है और एक पर्सन वीडियो शूट करता है। बहुत ज़्यादा क्लीन वाटर नहीं था, पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पैकेज की प्राइस के बारे में अगर आपको बात कर दूँ तो पर पर्सन 117 रुपीज़ में ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की थी। Thank you.
सो ये जो बोट पे हम है वहाँ से शिफ्ट होके हम दूसरे स्पीड बोट पे जा रहे हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। सो ये है पैरासेलिंग राइड। ये लोग पैर में ही स्टैंड करते हैं दो दो जन को और जाना पड़ता है, एंड ड्यूरेशन भी आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप पानी में डिप करना चाहते हैं या फिर इसमें जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। स्वरा ने आगे सबका पैरासेलिंग राइड देखा था तो वो जिद कर रही थी कि मुझे भी जाना है। तो पहले तो हमारा बिल्कुल ही मन नहीं था, बट दो से तीन बार हम लोगों ने कंफर्म किया उसके बाद ही उसे भेजा था। और पैर में ही जाना था और लास्ट में मैं एक ही थी तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया था, बट स्वरा को बहुत मज़ा आ गया। तो यहाँ पे हमारा वाटर स्पोर्ट्स कंप्लीट होता है। और अगर आप गोवा आओगे तो मेक श्योर करना कि आप वाटर स्पोर्ट्स करना, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थिंग है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद आपको लंच मिलता है, वाटर स्पोर्ट्स करने से पहले नहीं मिलता है, बिकॉज वो आप वोमिट और किसी को अनइजी फील होगा, इसलिए वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद ही मिलता है। गोवा का डे 4 का व्लॉग मैं शेयर करूंगी आगे, सो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।